अर्जील भाई, अगर तेरे इंडिया के सिस्टम पे भरोसा नहीं है तो भाई तेरा काम आसान कर देता हूँ, तेरी हेल्प कर देता हूँ, या तेरी टिकट बुक करवा देता हूँ। पता कहाँ जाएगा? अपने पापा पाकिस्तान के पास जाएगा। ज्ञान मेरे को बांट रहे हैं कि भाई इस लैम्बोर्गिनी को क्यों जलाया, किसी को दिए थे? अरे चूतिए। वेलकम बैक दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले गौरव जोन सौरभ जोशी एंड आपको बताएंगे एल्विश यादव ने अपने न्यू वीडियो में किसको टारगेट किया। दोस्तों पहली अपडेट होने वाले गौरव जोन के बारे में, कल गौरव जोन ने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील्स वीडियो शेयर किया था जिसमें वह एक छोटी सी कार को जलाते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद दोस्तों उनके रील्स वीडियो के नीचे उनको काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा था एंड काफ़ी लोग उनको गालियाँ भी दे रहे थे एंड काफ़ी लोग सजेशन भी दे रहे थे। तो देखिए अपने हेटर्स को रिप्लाई देते हुए गौरव जोन ने क्या कुछ बोला। अभी मैंने जो रील डाली तो भाई इसमें बहुत ज्ञानी आ गए, तो ज्ञान मेरे को बांट रहे हैं कि भाई इस लैम्बोर्गिनी को क्यों जलाया, किसी को दिए थे? अरे चूतिए। अब खराब लैम्बोर्गिनी में किसी को क्यों दूं गिफ्ट में भाई, वो खराब हो गई थी मेरे भाई, इसलिए जलाई। और रही बात देने की, तो मैं अच्छे खासा सब पैसे डोनेट करता हूँ, काफी ब्लॉग्स बनाए, काफी सामान बांटता भी हूँ। तो यार बड़ा ना मतलब पेचीदा सा मामला है, मैं आपको इस बारे में कुछ आराम से लंबी बात बताता हूँ, 3-4 स्टोरी लंबी हो जाएगी तो मैंने कर लेना। तो कुछ लोग तो ना निहायत ही चूती है, वैसे उनको तो लग रहा है भगवान ने कुछ बुद्धि डालना भूल गए उनमें, ठीक है। तो अब आपको इंसिडेंट बताता हूँ क्या हुआ है। देखो जब हम पैसे डोनेट करते हैं, मैं व्लॉग्स बनाया था, व्लॉग बनाया था मैं पिछले साल जिसमें मैंने कंबल बांटे, ओ भाई जो गालियां पड़ी मेरे को, लोग मेरे को कहते हैं भाई तेरे को बांटना है तो कैमरा बंद करके बांट। मैंने अच्छा जी, और अभी जैसे लैम्बोर्गिनी का अभी मैंने जलाया तो भाई जला के दिया तो लोगों में बांटे हैं, तो बांट क्यों रहा भाई, कैमरा बंद करके बांट, नहीं बांटो तो तू बांट क्यों नहीं रहा, बताओ ऐसे क्यों करे, तो क्या करें यार। और दोस्तों गौरव जोन ने बताया कि आज से 1-2 साल पहले भी उनका एक वीडियो आया था जिसमें वो एक बहुत ही पुरानी कार को जलाते हुए नजर आ रहे थे, जो गाड़ी बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, उसका कोई काम नहीं बचा था, उसका फिटनेस भी खराब हो रहा था, फिर भी काफ़ी लोग उनको गालियां दे रहे थे। तो देखिए इसके बारे में बात करते हुए गौरव जोन ने अपने इंस्टाग्राम पे क्या कुछ स्टोरी डाला था। 1-2 साल पहले एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने पूरी डंप गाड़ी जो पूरी एक्सपायर हो जाती है, मतलब इनकी फिटनेस जो निकल जाती है ना जिन गाड़ियों की, वो खरीद के लाया था मैं और उसको पूरा डिस्ट्रॉय करा था, आग लगाई थी। तो उसमें भाई जो बकचोदी करी लोगों ने, भाई किसी गरीब को दे देता। अब मैं कह रहा हूँ क्या बोलूँ बहन, जो इतने लोग पढ़े लिखे भी नहीं है भाई, जिस गाड़ी की फिटनेस एक्सपायर हो गई है उस गाड़ी को मैं किसी गरीब को देके, जो गाड़ी 20 साल पुरानी है बहन, जो मैं किसी गरीब के घर खर्चा क्यों दूं, यानी क्या मतलब बहन, जो सर में क्या लंड लेके पैदा हुए हैं बहन, क्या बोलो यार, कल एक्सपोज और हो जाऊंगा मैं बहन। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जो गौरव जोन ने किया हुआ सही या गलत है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो नेक्स्ट अपडेट होने वाली एल्विश यादव के बारे में, दोस्तों एल्विश यादव का नया रोस्ट वीडियो आ चुका है जिसमें उन्होंने बात किया है इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के मैच के बारे में एंड उन गद्दारों को टारगेट किया है जिसने पाकिस्तान के जीत के बाद इंडिया में जश्न मनाए एंड पटाखे छोड़े। एंड दोस्तों अपने इस रोस्ट वीडियो में एल्विश यादव ने टारगेट किया शरजील उस्मानी को, जो कि AMU का छात्र है। तो देखिए शरजील उस्मानी के बारे में बात करते हुए एल्विश यादव ने क्या कुछ बोला। यहाँ पे बात करूंगा मदरसा खास शरजील उस्मानी की। भाई जिसको ना पता हो शरजील उस्मानी कौन है, बहुत ज्यादा लक्की हो तुम। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, थोड़ा अनलक्की कर देता हूँ उसका नाम सुना के, कि कहां-कहां से क्या बिलोंग करता है। शरजील उस्मानी भाई हमारे AMU का स्टूडेंट है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। हमेशा वो हिंदू विरोधी बातें करता है, ये मुसलमान हिंदू, जो तुम मेरे को बोलते हो ना एल्विश भाई तुम ना यार हिंदू मुसलमान करते, उसका ट्विटर खोल के देख लो तुम्हें खूब पता चल जाए कौन हिंदू मुसलमान करता है। भाई AMU का स्टूडेंट है, हमेशा हिंदू विरोधी बातें करता है और वो बोलता है कि भाई मेरे को इंडिया के किसी भी सिस्टम पे भरोसा नहीं है। आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, हम जंग के बीच में जी रहे हैं, कम से कम मेरे नजदीक तो भरोसे के लायक नहीं है। एंड आई से दिस ओपनली दैट आई डोंट ट्रस्ट इंडियन जुडिशरी। कोई मुझे समझाए कि मैं कैसे भरोसा करूं उस पुलिस पे। आई डोंट ट्रस्ट इंडियन पुलिस। शरजील भाई अगर तेरे इंडिया के सिस्टम पे भरोसा नहीं है तो भाई तेरा काम आसान कर देता हूँ, तेरी हेल्प कर देता हूँ, या तेरी टिकट बुक करवा देता हूँ। पता कहाँ जाएगा? अपने पापा पाकिस्तान के पास जाएगा, अपने दादा अफगानिस्तान के पास जाएगा। पता तुझे कहाँ जाना, वहीं भेज देंगे तुझे एक तरफा। और भाई फालतू फंडे के ज्ञान तो देवे मत ना कि हम सबका खून शामिल है इस मिट्टी के अंदर। भाई तेरा खून मैं तेरा वापस दुआ दूंगा, ब्लड बैंक था तू यहाँ तक चला जा, तेरी कसम ना तू। तो नेक्स्ट अपडेट होने वाली आशीष चंचलानी के बारे में, दोस्तों जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो में आपको बताया था कि आशीष चंचलानी का नया वीडियो
आने वाला है। तो वह वीडियो आ चुका है दोस्तों कुणाल छबरिया के यूट्यूब चैनल पे, जिसके बाद आशीष चंचलानी ने लोगों से बोला कि इस पे मीम्स बनाए, तो काफी शानदार मीम्स बने हैं, तो आप लोग कुछ मीम्स यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों अभी की अपडेट होती है यहीं पे समाप्त। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब।